नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता ने कहा है कि बीजेपी विशेष रूप से कल का दिन ही क्यों चुन करके सीए लागू करती है, क्योंकि आज से रमजान शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सीए का सीधा संबंध एनआरसी से है, ये मत भूलिए, ये कानून एनआरसी से संबंधित है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में एनआरसी डिटेंशन कैंप की अनुमति कभी नहीं देंगे। हम किसी को भी बंगाल में लोगों के अधिकार छीनने की इजाजत नहीं देंगे। इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया है, कुछ लोग इसे विवादित कह रहे हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर यह ममता बनर्जी के द्वारा एक भड़काऊ बयानबाजी की गई है। दरअसल ये कई दफा कहा गया था केंद्र सरकार के द्वारा। बकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार यह कहा था कि जब 2019 में यह विधेयक पास हो चुका है, यह पारित हो चुका है, तो इसको लेकर के गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए और लोकसभा चुनाव से पहले यह देश में जरूर लागू होगा। अभी हाल ही में एक और इंटरव्यू दिया गया था अमित शाह के द्वारा, जिसमें उन्होंने इस बात की बकायदा पुष्टि की गई थी। इसके बावजूद बार बार टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाया जाना अपने आप में यही कहा जा रहा है कि ये लोगों को सीधे तौर पर भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आखिर रमजान का दिन ही क्यों चुना गया, इससे जो 11 तारीख है उस दिन को ही सीए क्यों लागू किया गया, क्या इससे पहले लागू नहीं किया जा सकता। एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही है कि इससे पहले भी हो सकता था, तो दूसरी ओर यह भी कह रही है कि ये जो सीए है उसका सीधा संबंध एनआरसी से है। आपको बता दें कि सीएम मंगलवार को उत्तर 24 परगना के हावड़ा में सरकारी कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। आपको बता दें कि बीजेपी पर हमला करते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि सोच रहे हैं कि हमने छक्का मारा है, पर ये जीरो है। कल से रमजान शुरू हो रहा है, ये सोचकर दिन का चयन किया गया। म्यांमार क्यों नहीं हुआ? अफगानिस्तान कैसे हो गई लिस्ट में? आप लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये एनआरसी के साथ जुड़ा है, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी आने वाले दिनों में अशांति का खेल खेलने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बात आपको स्पष्ट करनी है, ये भारत की धर्मनिरपेक्षता की जड़ों पर सीधा हमला है। सीए का नियम भी स्पष्ट नहीं है। एनआरसी के नामों पर बीजेपी सरकार ने 13 लाख बंगालियों को बाहर कर दिया, उनमें से तो कईयों ने आत्महत्या भी कर ली। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी की दुकान है या नहीं, जैसे ही आप आवेदन करेंगे आपको अवैध नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। पहले डीएम कार्ड जारी करते थे, अब ये काम बीजेपी के हाथ में चला गया है। एक वोट के लिए आप सब कुछ खो देंगे, तुम सब कुछ खो दोगे। ममता का कहना है कि आप वोट डाल पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर पूर्व के लोग, मुस्लिम और हिंदू, रो रहे हैं क्योंकि 13 लाख बंगाली हिंदुओं को बाहर कर दिया गया। आपने मतुआ समुदाय का आधार कार्ड क्यों मान्य नहीं किया था? उन्होंने आधार कार्ड ले लिया, अब कहा जा रहा है कि तुम्हें जन्म प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। मेरे पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या ये सिर्फ धोखाधड़ी है जो जश्न मना रहे हैं? कृपया कानून पर गौर करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। बहुत कम लोगों को इसका पता है। जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। मैं किसी भी डिटेंशन कैंप की इजाजत नहीं दूंगी। मैं अन्य राज्यों से भी इस पर विचार करने के लिए कहूंगी। एक बार सुनिए कि किस तरीके से सीए के खिलाफ ममता बनर्जी जहर उगल रही हैं। 19 लक्ष লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। আজকে যে বিজেপির নেতারা বলছেন ক্যা করে দিলাম, অধিকার দিয়ে দিলাম, এবার আমি আপনাদের কাছে কয়েকটা কোয়েশ্চেন করছি। তার মানে এখন যারা যাদের দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে, তার মানে তারা যেই দরখাস্ত করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও আপনারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন, তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে, আপনাদের চাকরি বাকরি কি হবে, আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনো কি হবে, সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে।
আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এটা অধিকার কেড়ার কারার খেলা। যখন আমরা লুডো খেলি দেখেন তো, আমরা ছক্কা মারলে গুটি খোলে, এটা হচ্ছে বিজেপির লুডো খেলার ছক্কা। রাজনীতির আগে ভাবছে আমি করলাম ছক্কা, অ্যাকচুয়াল কিন্তু ওটা হচ্ছে ফুট, অর্থাৎ শূন্য। নিট রেজাল্ট হচ্ছে জিরো। শুধু তাই নয়, আপনারা যেই দরখাস্ত করবেন আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার, আমরা মানছি না, আমরা মানব না। आपको बता दें, इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जैसे ही नोटिफाई करेंगे आप अवैध हो जाएंगे और आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सब कुछ पूरी तरीके से धोखाधड़ी है। आप जानते हैं कि कितने चर्च जलाए गए हैं। मणिपुर में कई महिलाओं को नग्न कर दिया गया, तब बीजेपी नेता कहां थे? ममता ने आगे कहा कि क्या आपने कभी धर्म के आधार पर नागरिकता के बारे में सुना है? यह मानवता का अपमान है। सीएम ने कहा कि मैं अपने राज्य में किसी को किसी का हक छीनने नहीं दूंगी, मैं एनआरसी की इजाजत नहीं दूंगी, मैंने कानूनी राय ले ली है। सीए और नियम कई कारणों से सवालों में है। अप्रवासियों को यह घोषित करना होगा कि वे अवैध हैं। जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद यहां आए हैं उन्हें एनआरसी का सामना करना पड़ेगा। यह मुसलमानों पर भी लागू होता है। आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। वे मीटिंग में कहेंगे कि कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में आप पाएंगे कि आपके पास कुछ नहीं है। मौलिक अधिकारों के तहत सीए असंवैधानिक है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि जातिगत आरक्षण पर कोई स्पष्टता नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो क्या आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिल पाएगा? ईसाई, मुस्लिम और बंगाली को बाहर करने के लिए ये एक नाटक किया गया है। हम सभी नागरिक को है, क्या आप वोट देंगे? क्या आप कॉलेज जाते हैं? क्या आपको जाति प्रमाण पत्र मिला है? याद रखें कि अगर आपको अवैध अप्रवासी कहा जाएगा तो आपकी स्थिति क्या होगी। आपको बता दें, दरअसल सीए के जरिए पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। साल 2019 में संसद में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और इसके बाद यह कानून लागू नहीं हो सका था। लेकिन अब सीए कानून लागू होने के साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसमें से कई सारे इलाके हैं जहां पर बकायदा पुलिस गश्त कर रही है और सरकार की भी नजर बनी हुई है, ताकि 2020 की तरह एक बार कोई घटना फिर से घटित ना हो। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, जिनमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल है। कानून के मुताबिक इस कानून को उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों के लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी की जरूरत होती है। बता दें कि इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। अधिकारियों ने सोमवार को अधिसूचित कानून के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों का गठन किया गया था, उन्हें भी सीए के दायरे से बाहर रखा गया है। ये स्वायत्त परिषदें असम, मेघालय और त्रिपुरा में अस्तित्व में हैं। आपको बता दें, जहां देश भर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसे सही फैसला बता रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई में शरणार्थी हैं, जो देश में कई सालों से रह रहे थे लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिली है। अब इस चीज को लेकर के वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और विपक्ष के कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि लगातार लोगों के बीच जहर घोलने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। একটা মানুষ যদি অধিকার পায় আমি খুশি হব, কিন্তু একটা মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাকে শেল্টার দেব, বাংলা থেকে বিতাড়িত কাউকে আমি করতে দেব না। শুনে রাখুন, আজকে মণিপুরে কত চার্চ পুড়িয়েছে জানেন আপনারা? মণিপুরের মেয়েদের
করে নিত্য করা হয়েছে। কোথায় ছিলেন বিজেপি নেতারা? একবার জবাব দেবেন। মনে রাখবেন, যারা এই সময় যারা ক্যাকে ক্যাতে আবেদন করবেন, কোনো ক্ল্যারিটি নেই, আপনার সব অধিকার কেড়ে নেবে। প্রথমে আপনি নাগরিক ছিলেন, ভোট দিয়েছেন কি দেননি? আমি যারা খুশি হচ্ছেন তাদের বলবো, আপনারা খুশি হলে আমি খুশি, কিন্তু আপনারা দুঃখী হলে আমি দুঃখী। বলুন, ভোট দিয়েছেন কি দেননি এতদিন? বুক বাজিয়ে বলুন সত্যি কথা। আধার কার্ড ছিল কি ছিল না? না, জমি আছে কি নেই, দোকান আছে কি নেই? তাহলে বুঝুন, এই আইনটায় যেই আপনি দরখাস্ত করবেন, আপনি অবৈধ নাগরিক হয়ে গেলেন, তার মানে আপনার কোনো অধিকার আর থাকবে না, আপনি ফরেনার্স হয়ে গেলেন। শুনুন, সারা পৃথিবীতে নিয়ম আছে, কোন রাষ্ট্রে 5 বছর, কোন রাষ্ট্রে 10 বছর, কোন রাষ্ট্রে 3 বছর। যদি বাইরে থেকে কেউ আসেও, তারা যদি সেই বছরগুলো সেই রাষ্ট্রে থাকে, তারা কিন্তু গ্রিন কার্ড পায়, তারা কিন্তু সিটিজেন কার্ড পায়। এই চালুটা কেন করলেন না? আগে তো ডিএমরা নাগরিকের কার্ড দিত, সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো, আর আজ বিজেপির হাতে আপনারা দিয়ে দেবেন আপনার ভাগ্য? শুধু একটা ভোটের জন্য, দুটো সিটে জিতবার জন্য আপনাদের ভাওতা দিচ্ছে ভাওতা, ধাপ্পা দিচ্ছে ধাপ্পা। মনে রাখবেন, সব হারাবেন, এটাও যাবে ওটাও যাবে। আবার দেখুন, সব হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি, খ্রিস্টানরা 2015 সালের পরে যারা ভারতে এসেছেন, তারা সব বেআইনি হয়ে যাবেন। সংখ্যালঘুরাও তো আছেই, ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। বলুন, আফগানিস্তান কি করে এলো? আফগানিস্তান তো ভারতের বর্ডার নয়, তাহলে মায়ানমার কেন এলো না? এটা তো ভারতের বর্ডার। তাহলে বলুন, যেগুলো ভারতের বর্ডার সেগুলো কিন্তু হলো না, সব কিন্তু রাষ্ট্রহীন হয়ে যাবে। এই ক্যা এনআরসির সাথে যুক্ত, মনে রাখবেন। এই আইন, আপনি যদি নাগরিক না হন, তাহলে সংবিধানের 14 নম্বর ধারা, 21 নম্বর ধারায় সব অধিকার থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন কি করে? কোর্টে গেলেও চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না, আপনি তো নাগরিক। শুধুমাত্র 3টি দেশ, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ আর পাকিস্তান, আর শুধুমাত্র 6টা ধর্ম, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি আর খ্রিস্ট ধর্ম, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা বাদ ইসলাম ধর্ম বাদ। এটা ভারতীয় সংবাদের সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতার মূলে কঠোর আঘাত করেছে, মনে রাখবেন। এরপরে ক্যাশ সাথে এনআরসিকে যুক্ত করে দেবে। আপনারা যারা নাগরিক আছেন,